अब अभय सूत्र आपको बांधने के लिए नहीं बना है। दो प्रकार के सूत्र, दोनों को अभय सूत्र कहा जा रहा है। अभय सूत्र की परिभाषा देवी के सूत्र के साथ बेहतर जाती है, जो लाल रंग का होता है। जब आपको ध्यान लिंग से जुड़ी पंचभूत आराधना का सूत्र मिलता है, तो ये आध्यात्मिक आयाम को उभारने के लिए मूल रूप से आपके अस्तित्व के कुछ आयामों को बढ़ाने के लिए है। फिर इसे अभय सूत्र क्यों कहा जा रहा है? आपको समझना चाहिए, भय का मतलब है डर। डर का आधार आपकी भौतिकता है। If you are not physical, would you have fear? अगर आप भौतिक नहीं हैं, तो क्या आपको भय होगा? नहीं। ये भौतिक की सीमा है जो भय का कारण बनती है। अगर आप बिल्कुल भी भौतिक नहीं हैं, तो आप किसी चीज से नहीं डरेंगे, है ना? तो उस संदर्भ में इसे अभय कहते हैं। लेकिन असल में ये परे जाने का सूत्र है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम बहुत सारे नामों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, आप परेशान हो जाएंगे, है ना? So, this also leads to a state of nirbhaya. तो ये निर्भय या निर्भयता की स्थिति की ओर भी ले जाता है। हम इसे निर्भय सूत्र कह सकते हैं और इसे अभय सूत्र। ये एक सुरक्षा की तरह है। ये आपके अस्तित्व के आध्यात्मिक आयाम को बढ़ाने के लिए है, ताकि आप कम भौतिक हो जाएं। अगर आप इतने शारीरिक नहीं हैं, तो आप में बहुत अधिक भय नहीं होगा। लेकिन देवी सूत्र एक सुरक्षा की तरह ज्यादा है। चोरों से मुक्त होने के दो तरीके हैं। अगर आपको हमेशा डर लगता है कोई चोर आपके घर में आ सकता है और चोरी कर सकता है, तो एक तरीका है बाहर पहरा लगाना। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास कुछ नहीं है और कोई भी नहीं आएगा। यहां तक कि अगर आप उसे बुलाएंगे तो भी वो नहीं आएगा, वो कहीं और चला जाएगा। तो ये उनका तरीका है, कुछ नहीं है इसलिए कोई नहीं आएगा, इतना निडर। एक तरफ आप एक गार्ड लगाना चाहते हैं, आपके पास अभी भी सामान है, आप गार्ड रखना चाहते हैं। मैं देखता हूं, ऐसे बहुत सारे हाथ देखता हूं जिनमें दोनों हैं, ये अच्छा है। तो इसे कैसे उतारें? आप इसे कम से कम 40 दिनों तक रख सकते हैं। अगर आप साबुन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा साबुन, तो यह ज्यादा समय तक चलेगा। अगर आप बहुत अधिक साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह कम से कम 40 दिनों तक जीवंत बना रहेगा। अगर आप सिर्फ ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह ज्यादा समय तक चलेगा। अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो यह कम से कम 40 दिनों तक चलेगा। यह है, अगर धागा अपनी दृढ़ता बनाए रखता है, तो वो ऊर्जा बनाए रखेगा। तो कहीं 40 से 60 दिनों के बीच अगर यह सिर्फ एक धागा बन गया है, तो धागा पहनकर घूमने का कोई मतलब नहीं है। तो आप इसे उतार सकते हैं और इसे ऐसी जगह रख सकते हैं जहां यह आसानी से गल जाए। आमतौर पर परंपरा यह है कि किसी पौधे के पास एक छोटा सा गड्ढा खोदा जाता है और उसमें डाल दिया जाता है, क्योंकि उसमें पानी दिया जाता है और 3 दिनों के अंदर वो खत्म हो जाएगा। ये किसी और के हाथ में नहीं आना चाहिए, ये जरूरी है। जो आपके शरीर के इतने करीब रहा है, आपके और देवी के बीच एक तरह का विवाह हुआ है, और आपके और ध्यान लिंग के बीच एक छोटे पैमाने का विवाह। जब ऐसा हो, तो यह सबसे अच्छा है कि ये किसी और के हाथों में न पड़े। अगर वो जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको इसे हमेशा गाड़ देना चाहिए। अगर आपके पास इसे गाड़ने की जगह नहीं है, तो आपको इसे जला देना चाहिए। आप इसे जला सकते हैं और राख लेकर इसे अपनी विशुद्धि से नीचे अपने शरीर पर लगा सकते हैं। ये एक सरल तरीका है।
आपके मन को शांत और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाले सर्टिफाइड प्राकृतिक रुद्राक्ष से लेकर ऐसी और भी कई चीजें अब आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट myGyanalaya.in पर। साथ में मिलेगी निशुल्क पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को सही से उपयोग में ले सकें। तो अभी विजिट कीजिए myGyanalaya.in, लिव ए सात्विक लाइफ।